बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर पुलिस ने 4 साथी लुटेरे व चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एसओजी और पुलिस टीम ने अलग अलग जगहों से साथी चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लुटेरे व चोरों के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर, नकदी, मोबाइल आदि बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक थाना कोतवाली नगर व रामकोट की पुलिस संयुक्त टीम ने थाना खैराबाद क्षेत्र के इटारोरा निवासी पंचम लोध और थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के भगवानपुर निवासी विमलेश भार्गव उर्फ पग्गू को बिजोरा पुल के पास से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 32 बोर का एक रिवॉल्वर और 26,000 रुपए बरामद हुए हैं। इन्होंने शहर के मोहल्ला पुन्नागिरी नगर से एक घर का ताला तोड़कर रिवॉल्वर व नकदी चोरी की थी। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक आलोक मणि त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह, उप निरीक्षक धर्मेंद्र बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल उमेश कुमार, हेड कांस्टेबल अमरेंद्र द्विवेदी संदीप शामिल रहे। उधर कोतवाली नगर के उप निरीक्षक अंसार हुसैन रिजवी, हेड कांस्टेबल तजम्मुल हुसैन, कांस्टेबल नवनीत तिवारी और एसओजी टीम के निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल सराफत अली, रोहित तोमर, दीपक रंजन, प्रशांत शेखर, भूपेंद्र चौधरी, अभिषेक कुमार, डॉली रानी आदि ने जनपद खीरी के थाना सदर क्षेत्र में बेगमबाग निवासी मुकेश अवस्थी और शांति नगर निवासी विकास राठौर को कनवा खेड़ा मोड़ की तरफ बने अर्धनिर्मित फ्लाईओवर कट के पास से गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक मोबाइल, एक कीपैड मोबाइल व मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए साथी चोरों की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने बताया, कोतवाली क्षेत्र में दो घटनाएं 7वें महीने में हुई थी। एक लूट की घटना हुई थी और एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें एक लाइसेंसी रिवॉल्वर की चोरी हुई थी। हमारी सीओ सिटी की टीम एसएचओ रामकोट और एसएचओ कोतवाली के टीम के द्वारा ये दोनों घटनाओं का को वर्कआउट किया गया है, जिसमें जो रिवॉल्वर चोरी की घटना है उसमें एक हिस्ट्रीसीटर की गिरफ्तारी हुई थी और उसके निशानदेही पे एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए रिवॉल्वर की बरामदगी कर ली गई है। साथ ही साथ एक 7वें महीने में ही एक कोतवाली शहर में ही एक लड़की के मोबाइल की छिनैती हुई थी, जिसमें लूट का मुकदमा लिखा गया था और उसमें भी बरामदगी करते हुए मोबाइल की बरामदगी कर ली गई है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो ये दोनों घटनाओं में उल्लेखनीय ये है कि जो लाइसेंसी रिवॉल्वर की चोरी हुई है वो हमारे एक हेड कांस्टेबल के सजगता से, उसने सीसीटीवी का एक ब्लर इमेज की एक एचएस के रूप में पहचान करके, जब पहचान की उसके आधार पे अग्रिम इनपुट के आधार पे कार्रवाई करते हुए ये रिवॉल्वर की बरामदगी की गई है। और जो मोबाइल लूट हुई थी उसके तन में पूरी हमारी सर्वेलांस और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का यूज करते हुए उस आधार पे घटना को वर्कआउट करके सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई। बिल्कुल पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे ही सजगता की अपेक्षा हम लोग सभी अपने सभी साथियों से करते हैं। थोड़ी स्मार्ट पुलिसिंग और थोड़ी सजगता से बड़ी घटनाएं वर्कआउट हो सकती है, इसका ये एग्जाम्पल है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।